राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना ने अपना रुख साफ नहीं किया, लेकिन सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि जो बिल के विरोध में है वो देशद्रोही है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। राउत बोले कि हमें किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जिस हिंदुत्व के स्कूल में पढ़ते हो, हम इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। राउत बोले कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए।